इस वीडियो को पूरी सेफ्टी के साथ बनाया गया है। आप ऐसा कुछ भी घर पे या फिर कहीं पर भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। हेलो गाइस, तो गाइस ये है सिंक्रोनस मोटर। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है, इन सबको हम इस सिंक्रोनस मोटर से चला कर दिखाने वाले हैं। देखते हैं क्या ये चलते हैं कि नहीं। मेरे को भी नहीं पता है कि ये सारी चीज़ चलती है कि नहीं, चल पाएंगे कि नहीं इस मोटर की मदद से, जो कि पावरफुल एक छोटा सा जनरेटर भी बोल सकते हैं इसको। पिछले वीडियो में हमने आपको बोला था, तो गाइस यहाँ पर हम लोग लेके आ चुके हैं। तो गाइस में मैं दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर पंप, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और गाइस यहाँ पर ये LED बल्ब, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का एडाप्टर है, और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है जो फैन, जो नॉर्मली हमारे घर में यूज होता है वो है। देखते हैं क्या चल पाएगा कि नहीं। और गाइस यहाँ पर हमारे पीछे एक लाइट भी है जो कि देख सकते हो कुछ इस तरीके के, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर आपने इसको देखा है तो गाइस आपको पता होगा, नहीं तो अभी आपको हम दिखाए नहीं वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों का चलाते हैं और देखते हैं कैसे चलता है, क्या चलता है या फिर नहीं। तो फटाफट से चलाना शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको सारी चीज़ें चला करके लाइट की मदद से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस LED बल्ब को मैं जला कर आपको दिखाया हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से जल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जैसे मैं बंद करूँगा बंद, चालू करूँगा चालू, तो ये आप लोग देख सकते हो ये जल रहा है, इसको हटाते हैं। और अभी जो इस वाटर पंप को भी चला कर दिखाया हूँ मैं, तो देख सकते हो ये भी चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी जो आवाज़ वो आप लोग सुन सकते हो कुछ इस तरीके से। अभी जो आपको ये जो डेकोरेशन लाइट है ये वाला, इसको मैं चला करके दिखाता हूँ। सो देख सकते हो ये भी चल रहा है कुछ इस तरीके से, आप लोग को दिख रहा होगा लाइट ऐसे, बहुत अच्छा रात में गाइस बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मैं एक बार पास से दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से ये जलता है। और अभी जो अपने फ़ैन को चला करके देखते हैं उसको, तो गाइस मैं जो अभी फ़ैन को ऑन करता हूँ, गाइस मैंने ऊपर से पकड़ा है, ये जो पूरा रस्सी जो वो घूम जाएगी इसलिए मैंने पकड़ा हुआ है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो फ़ैन वो चल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं इनकी वायरिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमने वायर कनेक्ट कर लिया है, और सिंपल सा वही वायर लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग चलाते थे, और देखते हैं क्या ये मोटर चलता है, वाटर पम्प चलता है कि नहीं। तो मैं चलाता हूँ और देखते हैं। तो कैसे मैं चलाता हूँ, एंड 3, 2, 1 नहीं चला। खत्म, पैसा बर्बाद। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा गाइस, जब हम इस वाटर पंप में इसको चला रहे थे लगा करके, तो गाइस ये जो मैंने बहुत तेज़ी से घुमा दिया, और एक ही बात से ये जो खटाक से रुक गया और आवाज़ आई इसमें से अंदर से खट से करके। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा था कि अंदर की जो जो मैग्नेट वाली जो पार्ट होती है वही टूट चुका था। जी हाँ गाइस, तो गाइस उसको हमने फिर से बनाया, गाइस उसका जो वीडियो हमने पहले डाल दिया है, जी हाँ गाइस उसका वीडियो हमने बना दिया है कैसे रिपेयर करते हैं। तो अगर आपका भी सिंक्रोनस मोटर ऐसे अगर टूट जाए उसका मैग्नेट, तो कैसे बना सकते हो, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से फिर से वायर आपने कनेक्ट कर दिया है। तो आपने पहले भी देखा था कि ये चल ही नहीं रहा है, अभी भी मैं घुमा रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा है, देख सकते हो 165 वोल्ट से 250 वोल्ट तक के बीच में चलता है, लेकिन ये नहीं चल रहा है, ये चल नहीं रहा है। तो इसको साइड में हटाता है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो वाटर पम्प वो नहीं चलता है इस सिंक्रोनस मोटर से। तो गाइस अभी जो मोबाइल को चार्ज करके देखते हैं क्या मोबाइल चार्ज होता है या फिर नहीं। तो अभी जो मोबाइल को चार्ज करके देखते हैं क्या मोबाइल चार्ज होता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से एडाप्टर में हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है जो सिंक्रोनस मोटर का वायर है, और यहाँ पर हमारे पास मोबाइल भी आ चुका है देख सकते हो। और अभी जो इसको लगाते हैं, इसका जो USB केबल इसमें लगाते हैं, और देखते हैं कि हमारे सिंक्रोनस मोटर से जो हमारा मोबाइल वो चार्ज होता है या फिर नहीं। तो आप सब आपके सामने वायर देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और मैं चलाता हूँ पहले, तो बंद करते हैं स्क्रीन और मैं इसको घुमाता हूँ। और गाइस हुआ था गाइस बहुत कम टाइम के लिए, बहुत 1 सेकेंड के लिए जो ये चार्ज हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है। और देखना भी आप लोग जैसे मैं घुमाता हूँ देख सकते हो, देख सकते हो। एक बार माइक में रख देता हूँ पास में इसको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मोबाइल है वो जो 1 सेकेंड के लिए चार्ज हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, क्यों गाइस जो एडाप्टर में जो हम लोग ये जो हम लोग सिंक्रोनस मोटर चला रहे हैं तो कंटिन्यू जो पावर वो नहीं मिल पा रही है, पावर बहुत कम मिल रही है, तो इस वजह से जो मोबाइल 1 सेकेंड के चालू होता है फिर बंद हो जाता है इसका चार्जिंग। तो कुछ इस तरीके से। और अभी जो इस LED बल्ब को चला करके देखते हैं क्या ये जलता है कि नहीं। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो उसमें आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं इसमें भी करके दिखाया था आपको। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है, बल्ब में से जो बल्ब का वायर है और जो सिंक्रोनस मोटर का वायर है दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे में। और अभी मैं इसको चलाता हूँ,
और देख सकते हो आप लोग जो बल्ब वो ग्लो करे हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं पास से दिखाता हूँ तो देख सकते हो, जैसे मैं बंद छोड़ता हूँ तो ये बंद, और जैसे चालू करूँगा देखो तो चलने लगता है कुछ इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पर तो बल्ब जल जा रहा है, और गाइस अभी जो चलाते हैं इस वाले बल्ब को, जी हाँ गाइस इस डेकोरेशन लाइट को चलाते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया है दोनों को, और गाइस ये जो इसका दोनों मेन वायर है और ये मैंने सिंक्रोनस मोटर में कनेक्ट कर दिया, और इसको अभी मैं चलाता हूँ और देखते हैं। देख सकते हो बहुत तेज़ घुमा रहा हूँ फिर भी ये जो नहीं चल रहा है, नो रिजल्ट। गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये जो नहीं चल पा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये जो डेकोरेशन लाइट, अरे कौन भौंक रहा है, ये जो डेकोरेशन लाइट इस सिंक्रोनस मोटर से नहीं चल पा रहा है, आप लोग देख सकते हो। अभी हमने ले लिया है पंखा, जी हाँ गाइस ये रहा हमारा मेन चीज़ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो पंखा। और गाइस अभी जो इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या इससे चल पाएगा कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि नहीं चल पाएगा, बट देखते हैं क्या होता है, चल पाता है कि नहीं, लेकिन लग रहा है, उम्मीद भी है चलने का, देख सकते हैं क्या होता है भाई, देखते हैं फटाफट। और अभी मैं इसको घुमाता हूँ और देखते हैं क्या ये घूमता है या फिर नहीं। तो अभी मैं घुमाता हूँ एंड 3, 2, 1। देख सकते हो पंखा भी नहीं चल रहा है भाई, मैं बहुत तेज़ घुमा रहा हूँ फिर भी ये नहीं चल रहा है। गाइस नो रिजल्ट। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सामने आपके रिजल्ट, गाइस पंखा नहीं चला और सिर्फ हमारा एलईडी बल्ब जला, और मोबाइल थोड़ा हल्का चार्ज, मोबाइल थोड़ा चार्ज हुआ था, एक सेकंड के लिए चार्ज होता है फिर बंद हो जाता है, और एलईडी बल्ब जला था, और ये जो वाटर पंप ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला। तो तीन चीज़ें नहीं चली और दो चीज़ें चली काम की नहीं, क्या बोल सकते गाइस, इसको कंटिन्यू हम नहीं चला सकते, चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने रिजल्ट देखने को मिला। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो मजा आएगा, और कुछ नया देखने को मिला है तो गाइस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब इसके मत, और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और एक बार और बताया तो आप सब कुछ भी घर पर अभी कहीं पर भी ट्राई मत करना, तो हमने जो कि अपने इस पर किया। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।